welcome my dear students in today's session we are going to start the topic of harmonic progression we've already studied arithmetic progression and geometric progression so if you have not, not watched the sessions on ap then make sure to watch them first and then come back to harmonic progression so what is a harmonic progression let us say there are three terms a b and c and these terms are said to be that a b c are in a harmonic progression or they are in hp in short so if it is said that a b c are in a harmonic progression that implies that their reciprocals reciprocals which is 1 by a and 1 by b and 1 by c they must be in an arithmetic progression वेरी इंपॉर्टेंट कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कनेक्ट करके ही सॉल्व करेंगे डायरेक्टली उसको सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं है हमें एपी से कनेक्ट करना पड़ेगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन और फिर वन बाई ए वन बाई बी वन बाई सी पेथमेटिक प्रोग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज है उनको अप्लाई कर देंगे और वी कैन ऑल्सो से दैट इफ एक्स वाई एंड थ्री टर्म्स आर इन अरिथेमेटिक प्रोग्रेशन देन देर रेसिप्रोकल्स Which is 1 by x, 1 by y, and 1 by z, these must be in harmonic progression. Okay. So, terms 3, 0, 4, 0, 5, 5, But if some terms are in AP, then their reciprocals will be in a harmonic progression. Is that clear? Check Okay. Fine. So, if ABC, these terms are in HP.

वन बाई बी विल बी वन बाई ए फर्स्ट टर्म प्लस एन प्लस टू माइनस वन यानी प्लस वन टाइम्स कॉमन डिफरेंस डी सो यहां से कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू मिल जाएगी कैपिटल डी विलव टू वन बाई बी माइनस वन बाई एन टू वन अपॉन एन प्लस ओके अब कोई भी टर्म निकालना है? निकाल सकते हैं इन जनरल वन बाई एच एन विल बी इक्वल टू

think Five by two, five by four, five by six, five by eight, and so on. These are some terms, okay? These are some of the terms, and we need to find out. टेंथ टर्म ऑफ द सीरीज टेंथ टर्म ऑफ दिस सीरीज क्या होगा ठीक है पॉज दिस वॉट विल बी टेंथ टर्म ऑफ दिस सीरीज सीरीज क्या है फाइव बाई फोर फाइव बाई टू फाइव बाई फोर फाइव बाई स तो यह एपी बन रहा है हमारा ना ही ये एक जीपी बन रहा है नीदर इट इज एपी नॉर्थ इट इज जीपी बट फर्क क्या पड़ रहा है डिनोमिनेटर टू से फोर हुआ फोर से सिक्स हुआ फिर एट हुआ कि डिनोमिनेटर्स एपी में एपी फॉर्म कर रहे हैं फोर बाई फाइव सिक्स बाई फाइव एट बाई फाइव एंड सो ऑन सो कैन वी सी दैट नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा सेकंड टर्म क्या है टू बाई फाइव में टू बाई फाइव एड करके आ रहा है थर्ड टर्म अगेन टू बाई फाइव एड क्लियरली इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सारे के सारे टर्म्स हमारे एपी फॉर्म कर रहे हैं और अगर ये टर्म्स हमारे एपी फॉर्म करें रेसिप्रकल वैल्यूज ए पी फॉर्म करें यानी कि ओरिजिनली हमारा क्या था एचपी फॉर्म कर रहे थे so? अब हमें एपी का अगर हम टेन टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल विल बी अवर आंसर सो एपी का टेन टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे ईजी है कर लेंगे तो एपी का टेन टर्म अपन फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट टर्म क्या है टू बाई फाइव तो एज इक्वल टू टू बाई फाइव

तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा आंसर विल बी तो आंसर सीरीज क्या पार्ट क्लियर और अगर इतना इजी है तो फिर तो देख ही पा रहे हो कि denominator हमारा क्या आ रहा है जनरल टर्म क्या होगा इस पर्टिकुलर सीरीज का इस एचपी का जनरल टर्म क्या है जनरल टर्म ऑफ दीरीज टी एन इज फाइव डिवाइडेड बाई टू टाइम्स एन यह तो बहुत ही इजी सीरीज है फाइव डिवाइडेड बाई टू टाइम्स एन तो टेंथ टेम क्या आ जाएगा फाइव बाई टू इंटू टेन फाइव बाई ट्वेंटी विच इज वन बाई फोर तो स्टेट अवे भी निकाल सकते हो बट एक ईजी एग्जाम्पल दिया सो देट तुम्हें एचपी समझ में आ जाए क्या बात क्लियर है ओके ठीक है चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं अच्छा एचपी uh, में हमारा कोई भी सम का फॉर्मूला नहीं होगा दे इज नो फॉर्मूला नो फॉर्मूला फॉर सम फॉर एचपी और एचपी के क्वेश्चन को हम एपी के थ्रू ही कनेक्ट करके सोल्व करेंगे पी के थ्रू ही कनेक्ट करके सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ठीक है ओके फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन वन इफ फॉर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म आर फाइव एंड फोर रिस्पेक्टिवलीफ्थ टर्म ऑफ द एचपी फर्स्ट टर्म इज फाइव सेकंड टर्म इज फोर तो फिफ्ट टर्म ऑफ द एचपी क्या होगा पॉज द वीडियो ट्राई टू सॉल्व इट एचपी में ईपी की प्रॉपर्टीज लगाओगे ठीक है तो सबसे पहले एचपी के टर्म को एपी के टर्म में कन्वर्ट करोगे अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे ईपी का टर्म निकालोगे फिर वो एचपी का टर्म बनाओगे ये प्रोसेस है हमारा ठीक है सो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है फाइव है सेकेंड so, टर्म इज फोर फॉर एचपी ठीक है सो लेटेस्ट से हम लिख गए एच टू इज ए गुड फोर ओके सो इफ एच वन इज फाइव एच टू इज फोर तो यहां से क्या हम एपी के टर्म्स निकाल सकते हैं हमें क्या चाहिए हमको चाहिए हम एच फाइव क्या होगा

प्लस फोर टाइम्स कॉमन डिफरेंस फोर डी एंड वन इज वन बाई फाइव तो वन बाई फाइव प्लस फोर बाई ट्वेंटी विच इज अगेन वन बाई फाइव ओनली सो ए फाइव इज टू बाई फाइव बट क्वेश्चन हमसे फाइव बाई टू इज दैट क्लियर ठीक है आंसर हमारा हो जाएगा फाइव बाई टू ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा अगर जनरल टर्म फाइंड आउट करना होता है लेटेस्ट से एचपी का तो क्या फाइंड आउट करते हैं हम एपी का जनरल टर्म निकाल लेते हैं एपी का जनरेटर्म निकालना आसान है एन टर्म ऑफ द एपी विल बी ए एन विल बी इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी ठीक है सो ए वन तो अपना है वन बाई फाइव तो वन बाई फाइव प्लस एन माइनस वन Divided by 20. So 4 by 20 plus n minus 1 by 20 that will be n plus 3 divided by 20. This is general term of AP. So general term of HP Hn will be equal to reciprocal of this यानी कि 20 upon n plus 3. 20 upon n plus 3 this will be general term of the HP. क्या ये बात appreciate कर पा रहे हो समझ पा रहे हो? दो हमने example देख लिया जहाँ पे एक general term भी निकाल लिया कि नहीं? ठीक है इन जनरल अगर हम समराइज करें इन बातों को तो सिंस रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑफ एचपी आर इन एपी सो इन जनरल एचपी के जनरल टर्म्स किस फॉर्म में होंगे एचपी के टर्म्स फॉर्म में होंगे प्लस डी वन बाई ए प्लस टू डी वन बाई ए प्लस थ्री डी एंड सो वन और एन ए टर्म हो जाएगा वन बाई ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी टर्म ऑफ द एचपी ठीक है क्लियर है, कोई दिक्कत ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं Very, very, very easy क्वेश्चन Very, very, very easy question. इससे आसान सवाल क्या होगा सम ऑफ द reciprocals ऑफ द फर्स्ट नाइन टर्म्स ऑफ द HP इज 45. फाइव तो रेसिप्रोकल्स होंगे क्या

फिफ्थ टर्म ऑफ दी दैट विल्वेशन ने पूछा फिफ्टचपी का क्या होगा सो so, एचपी का reciprocal. Reciprocal five, so Option, आ okay. अब इस क्वेश्चन में हम जनरल टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते एचपी का क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन फिफ्टर्म निकालने के लिए प्रॉपर्टी दिया हुआ था उसके अलावा कोई भी और टर्म हमें निकालना होगा तो नहीं निकाल सकते कैनोट भी इट माइंड बिकॉज हमें कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी नहीं पता है जो बनने वाली है क्या कॉमन डिफरेंस होगा बिल्कुल भी आइडिया नहीं उसका हमें ए वन नहीं पता ए टू नहीं पता कुछ भी नहीं पता इनफैक्ट सिर्फ हमें एवरेज वैल्यू पता है क्योंकि सम पता है दट इज वाई इन दिस क्वेश्चन वी कैन ऑनली फाइंड आउट द फिथ टर्मी कैन नॉट फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म और टर्म दर्ड टर्म और नाइन टर्म और वट एवर टर्म ठीक है सो यहाँ पे सिर्फ इतना इफॉर्मेशन हमें गिवन है जिससे कि हम फिफ्ट फाइंड आउट कर सके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्स टू दर एन प्लस वन प्लस वाई टू दर एन प्लस वाई टू दिनोनिक मीन ऑफ एक्स एन वाई तो एन का वैल्यू क्या होगा वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू अंडस्टैंड यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत है हमें क्या करना है हमें हार्मोनिक मीन तो पता है एक्स और वाई क्या होगा पता है फॉर्मुला उसका देख चुके हैं हम ठीक है सो अकॉर्डिंगली हमें बस ये देखना है एन की कौन सी वैल्यू के लिए दैट इज इट नथिंग एल्स तो हार्मोनिक मीन क्या है एक्स ऑर वाई का एक्स और वाई का हार्मोनिक मीन हो जाएगा टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई ओके फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एक्स विल गेट दिस वैल्यू इतना पता करना है ठीक है सो फॉर वट वैल्यू ऑफ एन सो एन इजोड अगर हम वन पुट करते हैं तो एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा एक्स पार एन प्लस वन एक्स स्क् प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई अब यह तो नहीं होगा टू एक्स वाईस वाई एक्स प्लस वाई तो डेफिनेटली एन इज वन इज नॉट सेटिसफाइंग द कंडीशन नॉट सेफाइंग द टर्म तो नॉट पॉसिबल एन इजोडो माइनस वन पुट करोगे तो क्या होगा एन इजो माइनस वन पे एन प्लस वन विल भी जीरो 0, y 0, लिखे किसी भी ऑप्शन uh, को इग्नोर नहीं करना ठीक है तो इसको इग्नोर करो यहां पर एक्स टू पार जीरो प्लस वाई टू है जबकि न्यूरेटर आया टू एक्स वाई पॉसिबल है किस वाई टर्म आ रहा है डिनोमिनेटर से है ठीक है तो ये हो सकता है इसलिए लिखोगे तभी समझ में आएगी जीरो प्लस वाई टू दीरोडेड बाई एक्स टू दाइनस वन प्लस वाई टू दर माइनस वन सो एक्स टू दावर जीरो वन होगा किसी भी टर्म का पावर जीरो तो वन ही होगा हमेशा ठीक है एनी टर्म टू द पॉर जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू वन ठीक है सो एक्स टू पावर जीरो प्लस वाई द पॉर जीरो वन प्लस वन डिवाइडेड बाई वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई दिस बिकम्स टू अपॉन एक्स वाई आ जाएगा और फिर वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई सो ये बन जाएगा हमारा टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई जो हमको डिजायर्ड भी है ये तो चाहिए तो क्लियर ऑप्शन बी इज द आंसर माइनस वन शुड बी द वैल्यू ऑफ एन ठीक है और पुट करके अपने एंड पे पे और N 3 भी देख सकते हो बट आंसर डेफिनेटली मैच नहीं करेगा N 1 पे ही मैच करने वाला है क्या ये पार्ट क्लियर है? Is that part clear? एक होता है ठीक है अच्छा यहां पे अगर हम एन इज करेंगे तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं इफ वी पुट एन इज टू जीरो तब हमको क्या मिलेगा इफ यू पुट एन इज इको टू जीरो प्लस एन इज इक्ल टू जीरो फ्रॉम द सेम एक्सप्रेशन क्या ब्यूटी समझ पा रहे हो क्या ब्यूटी देख पा रहे हो कि फॉर एन इज इकोल टू जीरो मीन फॉर एन इज इको टू माइनस वन वी आर गेटिंग हार्मोनिक मीन ठीक है क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इफ ए बी सी एनडी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स ए बी एंड सी आर इन एथेथमेटिक प्रोग्रेशन वाइल बी सी एनडी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन देन विच आर द फॉलोइंग रिलेशन विल बी ट्रू थोड़ा सा टाइम दो क्वेश्चन को ट्राई टू सॉल्व इट ठीक है देर आर टू मेथड जिनसे की क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो ठीक है एक बहुत आसान मेथड है एक दूसरा मेथड है जिससे कि थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट हमें चीजों को समझने का हेल्प मिलेगा ठीक है तो दोनों ही मेथड से हम सॉल्व करके सीखेंगे इसको बट पहले टेक अ पॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व इट एक थोड़ा कोशिश करो अपने एंड पे ताकि तुम चीजों को सीख सको उसके बाद में फिर सोल्यूशन को देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा ज्यादा समझ में आएंगी बातें ठीक है सबसे पहला काम पहले आसान तरीके से इसको सोल्व करते हैं इजी मेथड क्या होगा क्योंकि हमें क्या गिवन है यहाँ पे हमें निकालना है कि कोई एक ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर रहा होगा एबीसी में से ठीक है डी भी गिवन है बट स्टिल एक चांस ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो पहले हम यहां पे क्या करते हैं कि हमें गिवन है ए बी सी डी आर पॉजिटिव रियल सच सच दैट 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 द फर्स्ट कंडीशन इज ए बी बी सी सी आर 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 इन 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 दे एन एंड डी हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो देखो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तो तुम टर्म्स को लाके मतलब कि कोई वैल्यू पुट करके नहीं क्लिक कर, करेगा इतनी इजीली बट एपी में तो पुट कर सकते हो ना एपी के लिए तो वैल्यूज देख सकते हो तुम तो लुमने ए बी सी को ले लिया एंड थ्री तो वन टू थ्री तो एपी में है

दैट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म यानी वन बाई थ्री का ट्वाइस टू टाइम मिडिल टर्म यानी टू टाइम वन बाई थ्री विल बीवल टू वन बाई टू प्लस वन बाई डी तो यहाँ से वन बाई डी की वैल्यू मिल जाएगी और फिर अकॉर्डिंगली डी की वैल्यू मिल जाएगी तो यहाँ से वन बाई डी विल भी इक्वल टू टू बाई थ्री माइनस वन बाई टू ओके टू बाई थ्री माइनस वन बाय टू विच विल बी इक्वल टू फोर बाय सिक्स माइनस थ्री बाय सिक्स तो वन बाई सिक्स आ गया वन बाई डी यानी वन बाई डीज वन बाई सिक्स और डी इज इक्वल टू सिक्स आ गया so one such example for will वन सच एग्जाम्पल फॉर ए बी सी डी विल बी वन टू थ्री एंड सिक्स थ्री एडी जिकल टू b c सो and and so property यहाँ पे क्या satisfy कर रहा है ए डी जी b c option ये answer आ जाएगा क्या ये बात appreciate कर पा रहे हो ठीक है clear ख्या? ख्या? है तो इस तरह से options वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो कई बार जरूरत पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा अब यहां पर तो एक खैर आसान सवाल है ये दूसरे मेथड से भी हो जाएगा आसानी से बट कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा डिफिकल हो सकता है तो वहां पर वैल्यू पुट करना इन क्वेश्चन ऑफ वेबरा विल बी मच मोर इजियर देन एक्चुअली सॉल्विंग द होल क्वेश्चन ठीक है बट ये हम प्रैक्टिस से समझेंगे कहां पे हमें वैल्यू पुट करनी है और कहां पे वैल्यू पुट करने से गबड़ हो सकता है बिकॉज हो सकता है वैल्यू पुट करने से कोई एक ऑप्शन सेटिसफाई कर जाए बट हमेशा वो केस अप्लाई नहीं होता हो ठीक है या तो भी हम सीख रहे हैं समझ रहे हैं बट

ओके okay. कोई समस्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही ये बन जाएगा टू टाइम्स बी डी इज इक्वल टू सी इन बी प्लस डी विच विड बी सी बी प्लस सी डी अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन मिल गए हैं दिस इज सेकंड इक्वेशन द टू टाइम बी डीज इक्वल सीबी प्लस सी डी अब पहली इक्वेशन और दूसरी को हमें साथ में यूज करना पड़ेगा तब तो हमारा एक्सप्रेशन मिलेगा और पहली क्वेश्चन हमें क्या दे रही है टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी टू बी इज इक्वल टू ए प्लस एक्सप्रेशन मिल रहा है ठीक है तो समा या तो हम बी को कन्वर्ट करें किसी और टर्म्स पे या फिर देखते हैं कुछ जुगाड़ करते हैं पे. तो टू बी डी टू सीबी प्लस अगर हम बी के सारे के सारे टर्म्स को एक साइड में लेके आ जाए तो टू बी डी माइनस ठीक है माइनस बी सी इज इक्वल टू सी डी माइनस बी सी इज टू सी डी एक तरीका यह हो सकता है या फिर हम करें टू बी डी माइनस सी डी सी डी को लेफ्टी डी क्या चीज हमारे लिए कन्वीनियंट होगा अगर हम बी को कॉमन ले लेंगे यहां पर तो अंदर बचने वाला है हमारे पास टू डी माइनस सी बट हमें टू डी माइनस सी के लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे किसमें कन्वर्ट करेंगे कुछ भी हमारे पास ऑप्शन नहीं, नहीं है आइडिया नहीं है बट इफ वी टेक सी डी टू द लेफ्ट हैंड साइड देन वी नो कि जैसे ही हम डी को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन अंदर क्या बचने वाला है दैट दैट विल बी एंड इज एंड वी नो दैट टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी तो इफ टू बीज ए प्लस सी टू बी माइनस सी के आ जाएगा ए आ जाएगा टू बी माइनस सी विल बीवल टू एनली एंड विल बिकम डी एज इक्वल टू बी सी लेप्शन ए इज द आंसर इन दिस केस क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ ठीक है तो दोनों ही मेथ समझ में आना चाहिए कि ऑप्शन में वैल्यू पुट करके भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और या फिर अब वी कैन प्रॉपरली सॉल्व इट बाई यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रिथ मंडी प्रोगेशन ऑनली ओके okay. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द एचपी ऑफ एन एचपी आर वन बाई टू एंड वन बाई थ्री हैव टू फाइंड द दिन टर्म ऑफ द एचपी वॉट फिफ्टी टर्म ऑफ द एचपी एंड सेकंड वी ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द जनरल टर्म ऑफ द एचपी फिफ्टीन टर्म क्या होगा पहले ये फाइंड आउट करते करें फिर जनरल टर्म क्या होगा उस एचपी का यह हमें फाइंड आउट करना है एक सेकंड ठीक है फिफ्टीन टर्म फाइंड आउट करना है और फिर जनरल टर्म क्या होगा यह हमें फाइंड आउट करना है ओके okay. सबसे पहले फिफ्टीन टर्म फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे एचपी के टर्म्स को कन्वर्ट करो एपी के टर्म्स में तो थर्ड टर्म एंड नाइन टर्म ऑफ द एच पी आर वन बाई टू वन बाई तो थर्ड एंड नाइन टर्म ऑफ ए पी विल बी भी ए थ्री एंड ए नाइन विल बी टू एंड थ्री इज टू एंड ए नाइन इज थ्री एंड डिफरेंस कितना है सिक्स टर्म्स का डिफरेंस है तो ए थ्री में सिक्स टाइम्स कॉमन डिफरेंस एड करोगे सो हमें मिल जाएगा थ्री कितना डिफरेंस आ रहा है और में एन का डिफरेंस है तो सिक्स कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सो कॉमन डिफरेंस डी विलोड और यहां से वी कैन फाइंड आउट भाई a15 के लिए क्या करना पड़ेगा अगेन हमें टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा यानी कि one add करोगे, सो ए थ्री इज इक्वल टू डी हमारा वन बाय सिक्स आया है तो यहां से ए वन निकाल सकते हैं क्या बिल्कुल निकाल पाएंगे ए वन कितना आ जाएगा ए वन कितना आ जाएगा ए वन बी टू माइनस ए थ्री माइनस टू डी

पुट करके जरूर चेक कर लो फॉर एग्जाम्पल थर्ड टर्म हमें चाहिए तो एन इज टू थ्री पुट कर लो सो फॉर एन इज इकोडो थ्री फॉर एन इज टू थ्री यू विल गेट सिक्स बाई सिक्स बाई ट्वेल्व दैट इज वन बाई टू ठीक है सेटिस्फाई कर गया यानी कि हमारा काम बिल्कुल सही है एक्सप्रेशन सही आया है गलत नहीं है कोई कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है ठीक है एन इज गोडो नाइन पुट करोगे जरूरत नहीं है मतलब चेक तो एक सही करके सफिशियंट है बट अभी तो देख सकते हैं तो एन इज गो नाइन पर क्या वैल्यू आएगा यानी एंड फॉर दिस विल बी 6 by 24, which is 1 by 4. So, yes, all the values are coming out to be correct. So, this is the correct answer of the given question. क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ठीक आई बिलीव कि इस सेशन के एंड तक आ, क्योंकि ये से अब हम कुछ क्वेश्चंस को नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे बट आई बिलीव कि अब तुमको एच में थोड़ा थोड़ा कंफर्ट आ गया होगा और एचपी से ए में कन्वर्ट करके तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होगा अगर तुम्हें डेफिनेटली इस सेशन से हेल्प मिला है तो कमेंट वगैरह जरूर मैंशन करना कि तुम्हें सेशन पसंद आया और अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर सकते हो बाकी सेशन को भी जरूर से चेक आउट कर लेना इधर इफ दिन डाउट कोई भी डाउट रहता है छोटा सा छोटा डाउट क्यों ना हो एच में तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट है सर ठीक है उसको भी रिजॉल्व करेंगे ताकि तुम्हें बिल्कुल भी अटमोस्ट डायरेटिड है क्योंकि इसके बाद में फिर जब जी पी वाले क्वेश्चन करेंगे और मिसने सीरीज वाले क्वेश्चन करेंगे फिर एम जी एम एच एम का रिलेशनशिप देखेंगे मैक्सिमम मैक्म वाले क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे ये सब चीजें हमें बहुत हेल्प करेंगी तो जहां पे भी छोटा मोटा कोई डाउट रह जाए तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दट डाउट वेल सो दैट वो डाउट भी रिजॉल्व हो जाए फिर आगे जब बेटर क्वेश्चन आए तो तुम तो तो उनको भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ में सॉल्व कर सको जिस कॉन्फिडेंस के साथ में बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किया था ठीक है चलो इतना ही रखते हैं सेशन में बाय टेक केयर हैंड कीपर